और इनसे जन जेनर, एनर्जी जनरेट करना भी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इनका जो अमाउंट है या स्टोरेज है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है और ये वापस से इन नियर फ्यूचर हम जनरेट कर भी नहीं पाएंगे दैट इज़ वाई दे आर एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो दे कॉज लार्ज स्केल पोल्यूशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो सारे एनर्जी सोर्सेज है जो रिन्यूएबल होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सन विंड वाटर टाइड्स जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा इनका कॉस्ट इनिशियली तो हाई हो सकता है जैसे अगर आप सोलर एनर्जी यूज करना चाहते हो और घर पे सोलर पैनल्स लगाने चाहते हो तो शुरुआत में वो थोड़े कॉस्टली होते हैं बट ऑन द लॉन्ग रन इट इज चीपर ऑल्सो इट इज इको फ्रेंडली दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे आज

फाइव बिलियन इयर्स से हमें इसी अमाउंट में हीट और लाइट मिल रही है और आगे भी फ्यूचर में भी फाइव बिलियन ईयर्स मोर हमें ये एनर्जी इसी तरीके से मिलती रहेगी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर सन जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसमें से सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ही अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच पाता है नियरली हाफ ऑफ इट इज एब्सॉर्बल पासिंग थ्रू द एटमोस्फेयर एंड द रेस्ट रीचेज द अर्थ सर्फेस एटमोसफियर से पास होते होते आधे से ज्यादा सन की एनर्जी एटमोस्फेयर में ही अब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी का जो बचा हुआ होता है वही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाता है अब सरफेस अब्जॉर्ब स्मो हीट एज कम्पेयर टू अ व्हाइट और अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो मैक्सिम अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब करता है सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग सम सोलर कुकर्स अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर्स टू फोकस द रेज ऑफ द सन सोलर कुकर्स आर कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट बट डू यू नो दे आल्सो हैव सम लिमिटेशंस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज ओवरकम बाई सोलर सेल्स दैट कन्वर्ट सोलार एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर सेल्स होती है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है अलार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कम्बाइंड इन एन अरेन्जमेंट एंड इट इज कॉल्ड एज सोलर सेल पैनल और सिंपली सोलर पैनल सिलिकन मटीरियल इज यूज फॉर मेकिंग दी सोलार सेल्स नेक्स्ट वी शैल बी लर्निंग अबाउट डाइडल एनर्जी अपने टाइड्स के बारे में बहुत सुना होगा पानी में जो बहाव होती है पान आ, पानी की जिसे टाइड्स कहते हैं उससे भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेज एंड फॉल्स ये पानी में वेव्स जो भी बहाव आती है उसका रीज़न क्या है तो मून

टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ट हार्नेस्ट मीन्स यूज बाई कंस्ट्रक्टिंग लगाते हैं और उसके मदद से ये टाइड्स की जो एनर्जी है वो हम लेते हैं अ टर्बाइन फिक्स द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट्स टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वी यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल नीड्स नेक्स्ट इज वेव एनर्जी वेव पावर इज द कैप्चर ऑफ़ एनर्जी ऑफ विंड वेव्स टू डू यूजफुल वर्क फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पम्पिंग वाटर एक्सेट्रा वेव एनर्जी जो होता है वो हमें विंड की वेव से मिलती है जबकि टाइडल एनर्जी जो होता है वो वाटर की वेव से मिलती है नेक्स्ट इज ओशन थर्मल एनर्जी ओशन से हम समझ सकते हैं कि ये एनर्जी ओशन से कहीं मिलती है हमें थर्मल का मतलब होता है हीट सो एवर यू फाइंड द वर्ड थर्मल इट मीन्स हीट सो so, ओशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे जो एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी द वॉटर एट द सर्फेस ऑफ सी और ओशन इज हीटेड बाय सन वाइल द वॉटर इन डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड ओशंस वगैरह में जो ऊपरी सरफेस होता है वो ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू द वॉटर इन द लोअर पोर्शन ऑफ द ओशन रीजन ये है कि क्योंकि सनलाइट इफेक्ट करती है सरफेस वाटर पे